में स्वागत है। और आज की वीडियो हमारी होममेड सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन के बारे में है। इस मशीन को मैंने खुद से ही बनाया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बहुत पुरानी वीडियो है जो कि अंधेरे में बनाई थी। तो ये हमारी मोटर है, इसमें सबसे पहले ये देखिए। तो ये कूलर की दो मोटर एक साथ जोड़ करके 24 स्लॉट वाली जब बनाया है। एक मोटर ये है कि ये है असेंबली मोटर है। और हमें इसे बनाने के लिए ये एंगल चाहिएगी। ये सब एंगल देख सकते हैं। और ये आधे इंची का पाइप चाहिएगा। ये हमने पाइप के सॉकेट बनाए हुए हैं ये। और यहाँ पे हमने आगे 62 की शीट बनाई हुई है। और यहाँ पे एक 5 सूत का बोल्ट वेल्ड करवा करके उसमें पार सुराख करवाया हुआ है, जिसमें के लिए ये हमारा पाइप गया हुआ है। और ये काउंटिंग मीटर भी इसी बोल्ट में लगा हुआ जो 5 सूत का है। और ये मोटरसाइकिल की टाइमिंग चेन और गरारी हैं ये। हाँ ये देखिए। और ये इसका हमारा स्टैंड है, इसे हमने 5 सूत का बोल्ट लगवाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक। और इस पर इस वजह से लगवाया हुआ है कि कई पंखों की जो हमारी सापट है ये बड़ी आती हैं, तो ये बोल्ट छोटा था तो इस पर हमने वेल्ड या कुछ सॉकेट वॉकेट नहीं लगवाया। तो ये फैल जाते हैं ये हमारे सरिये, तो सापट आराम से आ जाती हैं। ये भी हमारी डाई है। और ये आगे पीछे यहाँ पे हमने दोनों साइड में चैनल लगवाए हुए हैं, ये देखिए। ये इस तरीके से आगे पीछे होती है। यहाँ ये देखिए, इसे हम हल्का सा ऐसे उठाएंगे तो इसमें ये ऐसे दबा देंगे। और इसकी ये डाई है, इसमें यहाँ 4 सूत का बोल्ट लगा हुआ है। ये इस पत्ते के लिए है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। यहाँ ये देख सकते हैं मशीन। ये हमने कूलर के जो जर्दे होते हैं वे लगाए हैं वायर टाइट करने के लिए। और ये हमारा मीटर है, इसे हम जीरो कर देंगे और इसे घुमाने से इसमें टर्न आ जाएंगी ये। और किसी भाई को इस मशीन की जानकारी चाहिए तो वो हमसे जानकारी ले सकता है। इसमें पाइप है, ये इसमें प्लास्टिक का पाइप डाला हुआ है जिससे हमारे वायर आएंगे। यहाँ ये हमने प्लास्टिक के पेंसिल के वे लगाए हुए हैं, इन्हें यहाँ से यहाँ लगा सक जिसमें के वायर आएंगे हमारे और यहाँ पे जाएंगे ये इस तरीके से। ये देखिए, ये आगे पीछे हट जाती है। और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं और इसे आप गौर से देख सकते हैं ये हमने कैसे कैसे बनाया हुआ है। और इसके ऊपर अभी हमें ये जो हमने ऊपर ये लगवाए हुए हैं दोनों साइड में, एक ये और एक ये, इस पे हमें अभी ढक्कन लगाने से बंद करेंगे पूरी तरह से। और इस पे यहाँ पे हमारा बोर्ड आएगा जिससे कि ये ऑन ऑफ होगी, चक्कर बदले जाएंगे। तो अगली वीडियो इसकी जल्दी आएगी वाइंडिंग करने के बाद, दिखाऊंगा अभी कैसे वाइंडिंग करती है। यदि आपको देखनी हो इसकी वाइंडिंग करी हुई तो हमारी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ये चैनल लगे हुए हैं आगे पीछे करने के लिए, आसानी से आगे पीछे हो जाते हैं। ये और ये असेंबली मोटर है, दो मोटर एक साथ जोड़ करके हमने इसे बनाया है। और यहाँ हमारा काउंटिंग मीटर, ये गियर है इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी इसे आराम से बना सकता है। अब यहाँ से हटा कर दिखाते हैं हम इसे, थोड़ा आगे करते हैं स्टेटर को। ये इसकी डाई है, ये डाई यहाँ से निकल जाएगी। ये देखिए, ये बैरिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, इस बैरिंग में ही ये 4 सूत का बोल्ट है यहाँ पे, ये लग गए। अब ये स्टेटर इसमें यहाँ लग जाएगा। देखिए
और ये हमारे कान हैं जिससे कि हम वायर दूसरी स्लॉट में ना जाए, हमें इस कोयल में वायर भेजना है, तो इसी कोयल में हमारे वायर जाएगा, इस पर रपट के दूसरी स्लॉट में नहीं जाएगा। एक ही डाई से इसकी दोनों वाइंडिंग हो जाती हैं, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। हमने पूरी मशीन को आपको दिखा दिया है, पीछे काउंटिंग मीटर लगा हुआ है। इस तरह की आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। इस पूरी मशीन का नाप है अभी, और जल्दी ही इसका नाप भी दिखाएंगे हम। ये गौर से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मशीन है। अब यहीं पर रोकते हैं।